सेक्स दोबारा करना है तो क्या करें, वॉट टू डू इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म सेकेंड टाइम, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग हमें संपर्क करते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल से, और वो पूछते रहते हैं कि भाई हमको सेकेंड टाइम यदि परफॉर्म करना है सेक्स तो उसके लिए क्या करें, उसका टाइम क्या होता है, कितने समय के बाद सेकंड टाइम कर सकते हैं आदि सवाल पूछते रहते हैं। एक तो क्या होता है कि यदि पार्टनर आपको बहुत दिन के बाद मिलता है और आप एक ही बार सेक्स करते हो तो नेचुरली ऐसा लगता है कि नहीं और दोबारा करना चाहिए, और फिर दोबारा यदि इरेक्शन नहीं हुआ, लिंग कठोर नहीं हुआ, तो फिर दोनों का भी मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि आप बहुत दिन के बाद में मिलने वाले हैं, ओनली वन टाइम मिलने वाले हैं, और फिर बाद में फिर और बिखरने वाले हैं, क्योंकि भाई सर्विस है, नौकरी है, या बाहर गाँव जाएं, जो भी कुछ है, तो प्रॉब्लम आता है। तो उस समय सेकंड टाइम यदि करना है तो। दूसरा, यदि लोग वीकेंड सेक्स करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं सेकंड थर्ड टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि वो वीकेंड ही सेक्स करते हैं, घूमने जाते हैं, तो इसलिए फिर लोग सेकंड टाइम सेक्स की डिमांड करते हैं। या फिर ऐसा होता है कि अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन यदि हो गया तो क्या होता है कि मेल पार्टनर जो है उसको भी संतुष्टि नहीं आती, फीमेल पार्टनर संतुष्टि नहीं आती, उसको लगता है कि क्या है, वो तो तुरंत वीर्यपतन हो गया और फिर अच्छा लगा नहीं, मजा नहीं आया, तो फिर सेकंड टाइम करना चाहिए, मगर सेकंड टाइम करने के लिए इरेक्शन नहीं आता, लिंग कठोर नहीं होता, तभी उसके लिए क्या करना। क्या होता है कि यंग एज यदि है, यंग एज जवानी है, तो फिर मतलब 23-24 साल से लेकर 35 साल तक है, समझो ये एज है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहती है, जोश रहता है, जुनून रहता है, और उसमें कुछ मिनट के बाद में या कुछ घंटे के बाद में तुरंत सेकंड सेक्स हो सकता है, सेकंड इरेक्शन आ सकता है, अदरवाइज एज के मुताबिक फिर सेकंड टाइम इरेक्शन होने के लिए टाइम लगता है, वो टाइम कुछ घंटे का होगा या कुछ दिन का होगा। 50-55 साल के बाद में तो ऐसा होता है कि भाई 1-2 दिन 3 दिन जाने के बाद में फिर इच्छा होती है, तो इसको बोलते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब एक सेक्स होने के बाद में सेकंड सेक्स होने तक का जो पीरियड है जिसमें इरेक्शन नहीं आता, वो है रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो सेकंड टाइम इरेक्शन आने के लिए वेरिएबल टाइम है, और वो यदि करना है तो फिर आपको नेचुरली कुछ मदद लेनी पड़ेगी, अलग से कुछ मदद, नेचुरली नहीं हो रहा है इरेक्शन तो फिर मदद कौन सी लेनी पड़ेगी। एक तो मेडिसिन आप ले सकते हो कि जिससे इरेक्शन हो सकता है, तो आप सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वरदानाफिल, एवेनाफिल ये गोलियां खाते हो तो सेकंड टाइम इरेक्शन हो जाएगा, फिर वैक्यूम पंप वापरते तो हो जाएगा, या इरोटिक मूवीज देखते हैं, इरोटिक पिक्चर्स देखते हैं, पॉर्न वीडियो देखते हैं, फिर और कुछ मैनिपुलेशन करते हैं तो हो जाएगा, या वातावरण बदल देते हैं, जगह बदल देते हैं तो फिर हो जाएगा, मतलब कुछ तो भी अलग करना पड़ेगा, अलग पोजीशन लेनी पड़ेगी, तो सेकंड टाइम संभव है। अदरवाइज एज के मुताबिक फिर यदि करना है सेकंड टाइम तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा कुछ घंटे, और कुछ घंटे के बाद में फिर सेकंड टाइम होगा। बेस्ट ये है कि जिनको वीकेंड में एंजॉय करने का है, जिनको बहुत दिन के बाद में मिल रहे हैं और बहुत कम समय है उनको, या जिनका अर्ली इजैकुलेशन है उनको, तो बेस्ट ट्रीटमेंट है कि भाई आप मेडिसिन्स लो, और मेडिसिन्स के साथ साथ ऐसी कुछ मेडिसिन है कि जिसमें इरेक्शन हो जाएगा, ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें इरेक्शन का पीरियड जो है वो लंबा हो जाएगा, मतलब जल्दी इजैकुलेशन होगा नहीं, ऐसी मेडिसिन तो वो भी मेडिसिन आप ले सकते हैं कि जिसकी वजह से फिर आपको एक ही सेक्स किया तभी भी आपको अच्छा लगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। स्ट्रेस है, तनाव है, आपसी संबंध खराब हो चुके हैं, तो फिर इसमें टाइम नहीं है, जगह नहीं है, तो इसमें फिर सेक्स लाइफ यदि ठीक नहीं चल रहा है तो रिलेशनशिप खराब हो जाती है, रिलेशनशिप खराब है तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता खराब होती है, लाइफ इन जनरल खराब हो जाता है। तो इसलिए सेक्स लाइफ अच्छा होना जरूरी है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनका सेक्स लाइफ अच्छा रहे और आपका लाइफ भी अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।